गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आई एम सपना सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। टुडे वी डिस्कस क्लास 6 चैप्टर 5 पंचायत राज। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट पंचायती राज सिस्टम। जैसा कि अधिकतर स्टूडेंट जितने भी हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, व्हाट इज पंचायत राज? पंचायत राज क्या है? अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट एंड द पंचायत राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इट फंक्शन एट थ्री लेवल्स, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में कहा कि स्कूल के अधिकतर स्टूडेंट जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग प्रधान को, प्रधान क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके बारे में जानते होंगे। पंचायत राज होता क्या है? इसमें हम अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, हमारी खुद की सरकार होती है। एंड द पंचायत राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये फर्स्ट टायर बोला जाता है, स्टार्टिंग बोली जाती है, फर्स्ट लेवल। इट्स फंक्शन एट थ्री लेवल, ये थ्री लेवल पे वर्क करता है, जिला परिषद, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत। द जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम। जैसे मैंने बताया अभी आपको स्टार्टिंग में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये फर्स्ट टायर यानी फर्स्ट लेवल कहलाता है और इसको थ्री लेवल में डिवाइड किया गया है, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। जिला परिषद इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम एंड द पंचायत समिति फंक्शन एट द ब्लॉक लेवल अंडर द जिला परिषद। जिला परिषद इसका सबसे हाईएस्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत के तौर पे वर्क करता है। एंड जो पंचायत समिति है सेकंड नंबर पे आता है, ये जिला परिषद के अंडर में वर्क करता है। अंडर द पंचायत समिति दे आर मैनी ग्राम पंचायत दैट कम्प्राइज पंच एंड सरपंच एट विलेज लेवल। जो पंचायत समिति होती है इसके अंदर बहुत सारे विलेज आते हैं, जैसे 45 से 35 विलेज आते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी जितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसमें विलेजेस आते हैं और उसमें से पंच और सरपंच चुने जाते हैं। एंड ग्राम सभा, नाउ व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या है? द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ग्राम सभा में मीटिंग होती है जितने भी जितने भी पंचायत के जो लोग हैं उनके लिए मीटिंग होती है, जो भी उस एरिया में बिलोंग करते हैं एंड जितने भी एडल्ट्स हैं। एंड दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेज। ये केवल ग्राम सभा जो होती है वो एक विलेज या एक से, या जो अगर छोटे विलेज है तो टू विलेजेस की भी हो सकती है। एंड एनी वन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज थ्री राइट हैज द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। सभी को इसमें वोटिंग करने का अधिकार है, यानी रिप्रेजेंटेटिव प्रधान जो होते हैं, पंचिस होते हैं, सरपंच होते हैं, उनको चूज करने का अधिकार है। जिसकी भी एज 18 ईयर्स से ऊपर है या 18 इयर्स है, उन सभी को वोटिंग का राइट दिया गया है, चाहे वो किसी भी कास्ट से, रिलीजन से, किसी से भी बिलोंग करता हो। फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ये वो प्लेस है जहां पे ग्राम पंचायत का जितना भी वर्क है उसको प्लान करा जाता है। एंड इट प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। कभी कभी इलेक्शंस में हम देखते हैं, इट प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल्स। एंड कभी कभी इसका बेनिफिट भी कई लोग उठा लेते हैं और ये जो मिस यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, आपने देखा होगा अधिकतर जो प्रधान होते हैं वो कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर लेते हैं। जैसे ही प्रधान बनते नहीं है उनकी प्रोग्रेस कितनी हाई हो जाती है, जिनका घर नहीं होता मिट्टी का वो घर बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक का पैसा है, जो गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, उसका मिस यूज भी करते हैं। और पंचायत को इसलिए बनाया गया है कि वो विलेजेस का डेवलप कर सके, लेकिन प्रॉपर वे में वो नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। इट कीप्स एनी आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव and in making them responsible to the person who elect them, it keeps an eye on the elected representatives and in making them responsible to the person who elected them. ग्राम सभा का मेन वर्क है, जो हम जो पर्सन है, जो विलेज के लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इसलिए इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव कि वो कहीं ना कहीं हमारे विलेज का, हमारे एरिया का डेवलप कर सके। उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट पंचायती राज सिस्टम, अदर टॉपिक एंड फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।